चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बीजाटोला में दो बालकों की डूबने से हुई मौत, परसवाड़ा क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना आई सामने। परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बीजाटोला परसवाड़ा में दो बालकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह घटना 26 अगस्त की 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक बालकों में नाम मयंक पिता ललित कुदो उम्र 8 वर्ष और पुष्पेंद्र पिता ओमकार दोने उम्र 7 वर्ष, दोनों ही बालक ग्राम बीजाटोला परसवाड़ा के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार मयंक और पुष्पेंद्र दोनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों बच्चे डूब गए। डूबते हुए बच्चों को प्रत्यक्षदर्शियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। वहीं परसवाड़ा अस्पताल में दोनों बच्चों को लाया गया, तभी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवनंद दावलू। कहाँ रहते हैं? बीजाटोला। किस प्रकार की घटना हो गई यहाँ पर? मैं खेत से आ रहा था तो मैं एक लड़के को डूबते देखा, तो मैं चिल्लाया दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़े तो वो डूब गया। उतने में निकाले तो खत्म हो गई थी। अच्छा, ये जो गड्ढा है तालाब में जो अवैध उत्खनन की बात कही जा रही है, क्या जेसीबी वगैरह से यहाँ से उत्खनन किया गया? जी, जेसीबी से निकालेगा। कब निकाला गया? गर्मी। मेरा नाम मनोहर बगारे है। कहाँ रहते हैं? यहीं बीजाटोला रहता हूँ, मेरे घर के पीछे का तालाब है। किस प्रकार की घटना जो है आज घटी? आज दो बालक डूब के खत्म हो गए तालाब में, छोटे 7-8 साल करीब के। कैसे पता चला आपको ये घटना? ये बस मोहल्ले की बात है, घर के पीछे घटना है तो पता चला, आग देख के निकाल के ले गए। दोनों मृतक थे यहीं पे, मृतक दोनों की मौत हो गई। अच्छा, क्या लगता है ये जो तालाब है? तालाब तो है, तालाब यदि तालाब के रेशों के हिसाब से बनता तो बढ़िया था, तालाब नहीं हुआ, ये मौत का गड्ढा हो गया जहाँ अवैध उत्खनन का शिकार हो गया। आज दो बच्चे खत्म हो गए, यदि यहाँ शायद जेसीबी से खुदाई नहीं होती, नहीं निकाला जाता मुरुम, तो शायद आज दो लोगों की जान नहीं जाती। किसने करवाया था उत्खनन? अभी तो उत्खनन का तो नॉलेज नहीं है, पर यहाँ से मुरुम मिट्टी सब गई है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बड़े, वहाँ बरन की है। कब किया गया था? गर्मी में। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।